आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से मटन। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर 1 kg मटन लिए हैं। मटन को अच्छी तरह से धो के रखे हैं। इधर कढ़ाई को गर्म किए हैं। इसमें डालेंगे 100 ग्राम के हिसाब से सरसों तेल। तेल को थोड़ी देर गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा हल्का चटक गया है। यहाँ पर मीडियम साइज का 4 से 5 प्याज को पीस लिए हैं। अब इसमें डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पे प्याज को 2 मिनट भून लेना है। यहाँ पे इसमें जाएगा मटन। मटन को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब मटन को प्याज के साथ 3 से 4 मिनट भून लेना है। हल्दी पाउडर 2 चम्मच, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। यहाँ पे इसमें जाएगा थोड़ी सी कूटे हुए अदरक, थोड़ी सी कूटे हुए लहसुन। नमक डालेंगे 2 चम्मच। आधी चम्मच गरम मसाला, अब मटन को 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे ढककर पकाएंगे। यहाँ पे इसमें जाएगा सभी सूखा मसाला, धनिया पाउडर 2 चम्मच, तीखी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। एक कटे हुए टमाटर, टमाटर को मिलाते हुए 4 से 5 मिनट मटन को भूनेंगे। टमाटर और मसाला को अच्छी तरह से भून जाने तक मटन और मसाला अच्छी तरह से भून गया है। तो यहाँ पर जाएगा थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मिलाते हुए 30 सेकंड भून लेंगे। पानी डालेंगे 2 से 3 कप। गरम मसाला 1/2 चम्मच। गरम मसाला को अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब मटन को ढककर 20 से 25 मिनट पकाएंगे, मटन को अच्छी तरह से पक जाने तक। ये देखिए मटन अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डालकर मिला लेते हैं। ये देखिए मटन पूरी तरह से बनके तैयार हो चुका है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लें ताकि मेरे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।